सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक कि जब आप नॉर्मल एकदम रास्ते पे या फिर सिटी में चला रहे हो तो आपको किस तरीके से चलाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गियर सिस्टम के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग नॉर्मल बाइक चला लेते हैं, स्कूटर चला लेते हैं, और बाइक चलाने के टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गियर्स में कि कौन सा गियर पे कब चलाना चाहिए और कौन से गियर पे कब नहीं, और कब गियर शिफ्ट करना चाहिए, कैसे गियर शिफ्ट करना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हाउ टू शिफ्ट गियर्स का मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा कि कब और किस तरीके से आपको गियर चेंज करना है। यहाँ पर फिलहाल मैं कुछ और बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बेसिक चीज़ से, यानी गियर सिस्टम के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा अब बैठ के गियर्स को देख लेते हैं। ये आपका गियर लीवर है, और गियर लीवर दो तरीके का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मेरा सिंगल वाला है और एक दूसरा आता है डबल वाला। तो डबल वाला काफ़ी इजी होता है, पीछे आप प्रेस करोगे तो फर्स्ट पे जाएगा, अगेन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और वैसे ही सेम तरीके से अगर आप आगे प्रेस करोगे तो आपका गियर कम होते होते न्यूट्रल में चला जाएगा। ये सिंगल वाला है, ये थोड़ा सा अलग होता है, इसको हम लोग वन डाउन बाकी सब अप बोलते हैं। ये नॉर्मल है, अगर किसी ने आपको बोल दिया तो ये सिंगल लीवर आएगा। मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक में, हाई सीसी पावर में, ये हाई सीसी पावर बाइक्स में ये सिस्टम होता है। तो यानी कि अगर आपको पहला गियर शिफ्ट करना है तो आपको नीचे प्रेस करना है, फिर इसके बाद आपको सारे गियर्स ऊपर लगाने हैं। तो ये नॉर्मल, ये इसका गियर सिस्टम है। अब पहला फर्स्ट गियर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको आगे बढ़ना होता है इनिशियली स्टेज पे, क्योंकि उसको आपके बाइक को पुश करने के लिए जितना पावर लगता है उतना सारा पावर फर्स्ट गियर में होता है, यानी कि फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा पावर होता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप ट्रैफिक में रुके हो, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको फर्स्ट गियर लगेगा, सेकेंड गियर पर आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। यही बहुत सारा बार रीज़न होता है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो और जब भी आप सेकंड गियर पे या थर्ड गियर पे हो, ट्रैफिक में आप आगे बढ़ाने जाते हो, आपके गाड़ी को इतना पावर नहीं मिल पाता, जिसके वजह से आपका इंजन स्टॉल हो जाता, बंद हो जाता, बाइक जर्क करने कभी कभी लग जाता है। ये इसी रीज़न के वजह से होता है कि कभी कभी आपका गियर जो है वो राइट पोजिशन पर या राइट स्पीड के हिसाब से नहीं होता है। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट गियर होता है वो इनिशियली आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि आपके बाइक को आप पुश करोगे तो पुश करने के लिए कितना ज़्यादा पावर लगता है, वैसे ही ज़्यादा पावर आपके फर्स्ट गियर में होता है। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट गियर एक लेवल ऑफ अमाउंट स्पीड तक लेके जाएगा, उसके बाद आपका इंजन ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा, ज़्यादा जर्किंग करने लगेगा, ज़्यादा आवाज़ करने लगेगा। तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। अगर आपका नॉर्मल बाइक है, मेरा तो डोमिनार है, डोमिनार 40 के स्पीड के तक फर्स्ट गियर पर चला जाता है ईजिली, और फिर उसके बाद ज़्यादा जर्क और वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा बाइक रहेगा तो उसका में भी हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग टेंशन नहीं है। हर एक सिनेरियो अलग हो सकता है, हर एक बाइक अलग हो सकता है, हर एक चीज़ अलग हो सकता है, पर ये हमेशा सीन सेम रहेगा। तो जब ऐसा होने लगता है, यानी कि जब आपका बाइक ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है, और ज़्यादा ऐसा आपको लग रहा है कि बाइक को ज़्यादा पुश करने का ज़रूरत पड़ रहा है या फिर बाइक आपको पीछे धकेल रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको ये करना पड़ेगा कि आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, सेकंड गियर, राइट। तो सेकंड गियर यानी कि अब आपको आपका बाइक इनिशियली मूविंग स्टेज पे है और आपको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको सेकेंड गियर से मिलेगा। सेम वैसे ही फिर सेकेंड गियर का भी एक लिमिट है, उसके बाद थर्ड गियर, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर। तो इस तरीके से ये होते रहता है। और जब आप नॉर्मली आप गियर शिफ्ट करते हो तो फर्स्ट गियर का एक लिमिट होता है, उस आरपीएम के बाद आप जब सेकंड गियर शिफ्ट करोगे तो आरपीएम धड़ाम से 1000 से लेके 1500 के बीच में वो कभी भी गिर जाता है। तो फॉर एग्जांपल आप 4000 आरपीएम पे बाइक चला रहे हो और जैसे ही आपने फर्स्ट टू सेकंड गियर किया तो आपका आरपीएम सीधा 3000 हो जाएगा, मतलब आपको और 4000 और 1000 आरपीएम का गैप मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने 1000 आरपीएम का गैप किया तो आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको बेसिक याद रखना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गियर शिफ्ट कैसे करना है। बेसिकली मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बना है, आपको अगर देखना है तो देख सकते हो। गियर शिफ्ट करने के टाइम पे ऑलवेज ये क्लच प्रेस करके रखना है और फिर यहाँ से आपको गियर को शिफ्ट करना है। तो आपने ऊपर किया, फिर नीचे किया, ये इस तरीके से गियर शिफ्ट होगा, राइट। और गियर पोजीशन सिस्टम भी आता है बहुत सारे बाइक्स में, यानी कि जब भी आप बाइक चला रहे हो और आपको यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है तो उसके लिए गियर पोजीशन सिस्टम आता है। तो ये क्या करता है कि बेसिकली आप कौन से गियर पे हो बताता है। अगर आपके बाइक पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये पता भी कर सकते हो, उसका भी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। और अगर आपको जब आप बाइक चला रहे हो और आपको ये पता, आपको लगाना है, अलग से इंस्टॉल करवाना है, तभी भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जब भी देखो, अभी यहाँ पे न्यूट्रल पे है तो बाइक इजीली नीचे चला जाएगा, और या फिर मैंने जब क्लच प्रेस किया तो बाइक इजीली नीचे चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लांटेड एरिया है। अगर आप इसको फर्स्ट गियर पर रखोगे तो फर्स्ट गियर क्या करेगा, आपके व्हील को
कनेक्टेड रखेगा टू द इंजन। तो अगर इंजन कनेक्टेड है और इंजन मूव नहीं हो रहा तो आपका बाइक आगे नहीं जाएगा। लेकिन यही सेम सिनेरियो में आपने क्लच प्रेस कर लिया या फिर बाइक को न्यूट्रल पर डाल दिया तो आपका बाइक नीचे चला जाएगा। मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बताता हूँ, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन मैं थोड़ा टाइम बात करूँगा, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ वैसे मैं आपको बताऊँगा। ये मेरा नया चैनल है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अब कॉमन सिनेरियो का बात कर लेते हैं कि जब आप ट्रैफिक में हो तो किस तरीके से और कौन से गियर पे चलाना चाहिए, जब आप स्पीड ब्रेकर पे जाने वाले हो तो किस तरीके से चलाना चाहिए, अपहिल टाइप में और ज़्यादा ही अपहिल टाइप में किस तरीके से कौन से गियर पे चलाना चाहिए, मैं आपको सब चीज़ यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ। सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक कि जब आप नॉर्मल एकदम रस्ते पे या फिर सिटी में चला रहे हो तो आपको किस तरीके से चलाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप थर्ड गियर में तक चलाओ, थर्ड गियर के ऊपर मत जाओ, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो 0 to 40, 40 to 0 इस तरीके से आपको करना है और आपको गियर शिफ्ट का प्रैक्टिस करना है। बेसिक आप जब भी हो तो आपको गियर शिफ्ट का प्रैक्टिस करना है, जैसे फुल क्लच प्रेस किया, ये प्रेस किया, वो प्रेस किया, ये प्रेस किया, वो प्रेस किया, ऐसा आपको आदत डाल के रखना है और आपको फिर उसके बाद आगे डाल के आगे देख के आदत डालना है। देखो जैसे यहाँ पर मैं आप अगर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बिना देखे भी शिफ्ट कर पा रहा हूँ, तो वैसे भी आपको ये सेम चीज़ करने का कोशिश करना है आगे देख के। इससे आपका गियर कभी भी ख़राब नहीं होगा, अगर आपने क्लच प्रेस के रखा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर पे चलाना है। सिटी में जब आप सीख रहे हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्पीड होता है 40 का, तो 40 के स्पीड तक ही चलाना, इसके ज़्यादा नहीं। जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप हाईवे पे तक 60 के स्पीड पे चलाओ एज अ बिगिनर, लाइक आप 6 महीने सिटी में चला लिया, आपको आदत हो गया, फिर आप हाईवे पे जाओ और हाईवे पे आप फोर्थ गियर है आप तो फोर्थ गियर पे चला सकते हो, फिफ्थ गियर है तो फिफ्थ गियर पे चला सकते हो। बट आपको जब चलाना है तब आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको फोर्थ या फिफ्थ गियर पे चलाना है और आपको 60 का स्पीड रखना है। और गियर्स आपको RPM के हिसाब से शिफ्ट करना है, ऑलवेज सिटी के अंदर सबसे बेस्ट RPM होता है 4000 RPM टू 5000 RPM के बीच में, और हाईवे पे जब आप जाते हो तो 5000 टू लेके 6000 RPM पे, क्योंकि हाईवे पे आपको स्पीड का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हाईवे के RPM थोड़े से ज़्यादा होते हैं सिटी के मुकाबले। अब जब नॉर्मल सिटी का और नॉर्मल हाईवे का बात छोड़ के हम लोग जाते हैं स्पीड ब्रेकर पे, तो स्पीड ब्रेकर पे सबसे बेस्ट स्पीड होता है इन बिटवीन 10 टू लेके 20 है, और वो टाइम पे आपको क्या करना है इसका मैं अलग से वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। पर वो टाइम पे आपको ये करना है कि आपको रखना है अपना बाइक सेकेंड गियर पर, या तो आप स्पीड ब्रेकर पर पहुँचने से पहले सेकेंड पे कर दो और फिर क्लच प्रेस करके रखो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद सेकेंड गियर पर कर लो और 10 to 20 की स्पीड पर आप फिर यहाँ पर स्लोली हाफ क्लच दे के एक्सेलरेशन दोगे तो आपका गाड़ी निकल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये स्पीड ब्रेकर वाला चीज़ है। थर्ड गियर पे रखोगे तो जर्किंग करेगा, फर्स्ट गियर पे रखोगे तभी भी जर्किंग करेगा, सेकंड गियर पे बाइक स्मूथली निकल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, अभी बात करते हैं नॉर्मल अपहिल का, यानी कि थोड़ा सा लाइक 0 to 10 degrees के या 15 degrees तक का अगर स्लांटेड एरिया रहेगा तो आपको किस तरीके से चलाना है। तो उस सिनेरियो में मैं आपको ये बोल दूं कि उस सिनेरियो में आप फर्स्ट गियर से स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड, थर्ड और आप फोर्थ गियर तक भी जा सकते हो। अगर आपको हाईवे खाली मिलता है, रास्ता खाली मिलता है तो आप फोर्थ गियर तक ईजिली बाइक चला सकते हो, आपका बाइक करेगा आगे बढ़ेगा। अभी ये चीज़ याद रखना कि जब आप अपहिल में चलाते हो तो कभी कभी आपका गाड़ी स्लो हो जाता है, इसके वजह से आपका बाइक जर्क करने लगता है तो बाइक ऐसा झटका मारने लगेगा। तो ये जर्किंग का मतलब ये है कि आपका स्पीड जो है वो कम है, आपका गियर वो ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लच प्रेस करो, एक डाउन शिफ्ट कर दो और फिर आगे चले जाओ। मैं सब चीज़ों का डेमोंस्ट्रेशन आपको करके बताता हूँ। इसके बाद सेकंड चीज़ है कि लाइक 30 degree के आसपास का अगर है, लाइक बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि हमारे यहाँ पे ऐसा भी रास्ता है, तो उस सिनेरियो में मैं आपको बोलता हूँ कि किस तरीके से करना है। उस सिनेरियो में मोस्टली फर्स्ट और सेकंड गियर पे लो और फिर आप बाइक चलाना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपका बाइक स्लो हो जाएगा तो बाइक झटका मारने लगेगा और अगर आपने ब्रेक प्रेस करने का कोशिश किया तो आपका गाड़ी पीछे जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा संभाल के करना है और थोड़ा सा सही तरीके से करना है। अब वही सेम चीज़ में जब आप ऑफ रोडिंग में जाओगे तो आपको क्या करना है, तो ऑफ रोडिंग के टाइम पे मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड गियर में जाना है और आपको ज़्यादा पावर नहीं देना है बाइक को, ये याद रखना। ज़्यादा पावर दोगे तो आपका गाड़ी आगे जाएगा जल्दी से और फिर बंप होगा तो आपका बैंड हो सकता है, आपका व्हील बैंड हो सकता है, आपका ये सस्पेंशन ख़राब हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो। तो आपको फर्स्ट और सेकंड गियर पे चलाना है और ये याद रखो कि स्पीड एक मिनिमम होना चाहिए, लाइक 15 to 30 के आसपास, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बता देता हूँ। बाइक पर बैठ जाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बाइक यहाँ पे गियर पोजीशन सिस्टम बताता है, तो आपको ये गियर पोजीशन सिस्टम हेल्प करेगा और जिस तरीके से मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सबसे पहले हमको बाइक को स्टार्ट करना है, तो
मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। जब भी आप मॉर्निंग में बाइक स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम पे, तो 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम दो उसको यूजुअली गर्म होने के लिए, फिर उसके बाद आप चलाओ, ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है। ठंडी के टाइम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाइक में ऑयल होता है, वो सही तरीके से आपके सारे पार्ट को लुब्रिकेट कर दे, फिर आप जाओ तो आपके गियर शिफ्ट स्मूथली होगे। कभी कभी गियर हार्डली शिफ्ट होते हैं, उसका रीज़न भी होता है कि आप जैसे ही बाइक पर बैठे, ये बाइक चालू किया और निकल गए, तो उसके वजह से ये होता है कि अच्छी तरीके से ऑयल सब पार्ट्स को लगता नहीं है, क्योंकि पूरा रात गाड़ी खड़ा था तो ऑयल सब नीचे जमा हो जाता है। और फिर ये होता है जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो बहुत हार्ड होते हैं, और ये रीज़न है 99% लोगों के प्रॉब्लम का। तो आप बाइक को थोड़ा सा गर्म कर लो, जिसके वजह से सारे पार्ट्स में ऑयल अच्छी तरीके से लग जाएगा, फिर आप चलाओ। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। बाइक को स्टार्ट किया, डन, बाइक इस तरीके से स्टार्ट हो गया। नॉर्मल आइडल आरपीएम है 1500 टू 2000 आरपीएम कोई भी बाइक का, मोस्टली एफआई वाले। अब मैं यहाँ पे क्लच प्रेस करता हूँ, इसको वन डाउन है, राइट, तो मैंने नीचे प्रेस किया, ये आ गया फर्स्ट गियर। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि मैं जब गाड़ी का गियर शिफ्ट करूंगा तो 4000 या 5000 आरपीएम के आसपास कर दूंगा। मैं चाहिए तो पुश करके लेके जाता हूँ ऑल द वे अप टू 10000 आरपीएम, पर इससे ये इंजन नॉइस बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अभी सिंपल से फर्स्ट गियर से आगे बढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। कोई भी जगह पे आप हो, आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप अपहिल ट्रैफिक में हो तो आपको एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, ये नॉर्मल सीनारियों से। तो यहाँ पे मैं हाफ क्लच छोड़ना स्टार्ट करता हूँ, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया और मैं आगे जा रहा हूँ। अभी ये थोड़ा सा स्लांटेड एरिया है तो मेरा हेल्प हो गया। ये देखो मैंने क्लच छोड़ दिया है, बाइक बढ़ रहा है 5000 आरपीएम, सेकेंड गियर, राइट, नीचे से अप किया और क्लच प्रेस करके रखा। अभी यहाँ पे देखो ये आ गया स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने एक्सेलरेशन छोड़ दिया, सेकंड गियर पे है इजीली 10 टू 20 की स्पीड पे, मेरा गाड़ी निकल गया, राइट। अब यही सेम चीज़ मैं आपको जर्किंग वाला पोर्शन बताता हूँ। देखो अभी मेरे बाइक के अंदर एक फीचर है जिसको बोलते हैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन देखो अभी ये झटका मारना स्टार्ट कर दिया, शायद से गोप्रो में स्मूथ है इसके वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी ये झटका मार रहा है। मेरा बाइक बिना क्लच के भी चल सकता है, ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक वाला है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा स्लो किया तो ये देखो दिख रहा है आवाज़ आ रहा है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपको एक गियर डाउन शिफ्ट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखा, तो ये जर्किंग का एक रीज़न होता है, जब आप अपहिल में जाते हो बाइक पुश नहीं कर पाता है, पैसेंजर जब पिलियन होता है आपके साथ में तभी भी ये चीज़ होता है कि जब बाइक को ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ता है तो वो टाइम पे आप गियर जल्दी जल्दी शिफ्ट कर दिया करो, सॉरी थोड़ा टाइम बाद शिफ्ट कर दिया करो एक स्पीड बढ़ाने के बाद। अब ये हो गया अपहिल और ये हो गया जर्किंग वाला सब चीज़। यू टर्न मारने के टाइम पे आपको फर्स्ट गियर रखना है, क्योंकि कुछ भी हो यू टर्न के टाइम पे आपका स्पीड बहुत स्लो होगा। दोनों पैर नीचे रखो बैलेंसिंग करने के लिए, और सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट ब्रेक का यूज़ किया करो, क्योंकि यू टर्न के टाइम पे बैलेंस खराब होगा तो आप गिर सकते हो। और अपने जो राइट लेग है उसको हमेशा रेडी रखो, और उसको इस तरीके से रखो कि जब भी आपको ऐसा हो तो आप उसको सही तरीके से वेट बैलेंस कर पाओ। अगर आपने एकदम से अंदर रखा है तो जब भी आपका गाड़ी यू टर्न के टाइम पे होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लावर, ओके, तो ये डाउन हिल है। डाउन हिल के टाइम पे भी लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या करना है। बेस्ट चीज़ है जितना डाउन हिल का स्लोप है उस हिसाब से आप अपना गियर रखो। यहाँ पर खड्डे आ गए यार, ओके, ये स्पीड ब्रेकर है अगेन, देखो सेकंड गियर इजीली निकल गया डाउन हिल के टाइम पे भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी आपके पीछे पैसेंजर बैठा उसको भी जर्क नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। और डाउन हिल के टाइम पे आपको बस गियर पे छोड़ देना है, जो भी गियर है उसको करके छोड़ देना है, आपका गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे झटका लग रहा है, दिख रहा है ये, तो ये जर्किंग वाला चीज़ है जो आपके साथ होगा जब भी आप सही गियर पे नहीं होगे। और डाउन हिल में आपको सिर्फ ये करना है कि आप कितना स्पीड में कंट्रोल करना चाहते हो अपने गाड़ी को, उतने स्पीड में आपको बस लाइक जैसे बोल सकते हैं कि लेके क्लच छोड़ देना है यहाँ पे, और फिर आपका गाड़ी है वो खुद ही कंट्रोल करेगा। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, दिख रहा है स्लोपी एरिया है, पानी है, तो पानी के टाइम पे एक आपको बोल दूंगा कि बहुत स्पीड स्लो कर दिया करो, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो और आपको ब्रेक प्रेस करना पड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट गियर पे यू टर्न लिया, मेरा ये लेग है सपोर्ट करने के लिए, और देखो हम यहाँ से जा रहे हैं, कोई बीच में आता है तो हॉर्न बजा दिया करो। अब देखो सेकेंड गियर पर डाला है, कुछ भी हो जाए मेरा गाड़ी इससे स्पीड नहीं होगा, और ये मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं अपने गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको थर्ड गियर पे कर दूँ तो गाड़ी उससे ज़्यादा स्पीड चला जाएगा, दिख रहा है। तो जितना आप स्पीड में कंट्रोल करना चाहते हो उतना स्पीड में ही आप गाड़ी को रख के
रख सकते हो। और हमेशा याद रखना, जब भी आप गाड़ी को पार्क कर रहे हो जैसे मैंने किया वैसे, तो या तो फर्स्ट गियर में या तो न्यूट्रल में, इन दोनों में करके ही गाड़ी को बंद करना है। सेकेंड गियर पे कभी भी मत करना, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि सेकेंड आप ट्रैफिक में हो, आपको आइडिया नहीं है, सेकेंड गियर पे आपने गाड़ी किया और गाड़ी आप आगे बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, वो टाइम पे ये हो जाएगा कि छक लेके झटका मार के गाड़ी बंद हो जाएगा। सो दोस्तों, मेरी ओर से इतना ही। टॉप गियर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको जिस तरीके से जाना है आपके गाड़ी में, जो भी टॉप गियर है वो टॉप गियर आप यूज़ कर सकते हो। और टॉप गियर में आप सबसे लास्ट प्रैक्टिस करो, लाइक अगर आप गाड़ी आज चलाना चालू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज फर्स्ट जनवरी है, एक्चुअली आज फर्स्ट जनवरी नहीं है लेकिन अगर फर्स्ट जनवरी है तो फर्स्ट जनवरी को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 6 महीना तक आप सिटी में चलाओ, हाईवे पर चलाओ, और फिर उसके बाद आप टॉप गियर में 60 तक की स्पीड में चलाओ जब आप सीख रहे हो, विद इन दिस 6 मंथ पीरियड। उसके बाद आपको जैसे जैसे गाड़ी का यूज़ टू होने लगते हो, आपको समझ में आने लगता है, आप गाड़ी को पुश करना स्टार्ट कर सकते हो। सो मेरी ओर से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर कुछ आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिगार्डिंग आपको बता दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो प्लीज़ डू शेयर इट, क्योंकि बहुत सारे दूसरे व्यूअर्स होते हैं, उनको भी ये चीज़ हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। राइड सेफ, बी सेफ़।